हेलो गेमर्स, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त गैंग ऑफ गेमर्स और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में हम तुमको बताने वाले हैं कि जो कल आपका 0.19 का अपडेट आने वाला है उसके पैच नोट्स, और साथ में ये भी बताएंगे कि यार आपको जल्दी से अपडेट क्यों नहीं मिलता, आपको उस अपडेट को कैसे पाना है। मतलब कि होता क्या है कि बहुत से बंदों के डिवाइस में पूरा पूरा दिन लग जाता है पर वो गेम को अपडेट नहीं कर पाते, और इस अपडेट के साथ हमें अपने फ़ोन में क्या सेटिंग्स करनी चाहिए, क्या चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हमारा नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट अपडेट के अंदर गेम ज़्यादा लैग ना करे, फ़ोन ज़्यादा हीट ना हो। तो गाइस फिर चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यार देखिए, जो कल आपका अपडेट आएगा उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी अपडेट करना है गेम को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको फटाफट अपडेट मिल जाएगा, प्ले स्टोर का वेट करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि यार ये जो इतना बड़ा अपडेट है, ये कम से कम तुम्हारा होने वाला है 1.8 GB का, और जो iOS डिवाइसेज यानी कि iPad या iPhones के अंदर जो आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2.1-2.2 GB समथिंग का। तो कम से कम तुमको इतना इंटरनेट तो चाहिए होगा और इतना डिवाइस में स्पेस खाली चाहिए होगा, यानी कि 1.8 GB का मतलब तुम मान लो कि कम से कम 2 GB का इंटरनेट तो तुम्हारा लगने वाला है, ठीक है। तो जिन पे दिन का 1 GB डाटा मिलता है, कम डाटा रहता है, तो भाई वो ऐसे मतलब मैं उनका तरीका बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है उनको गेम को, और आराम से उनका गेम भी डाउनलोड हो जाएगा और वो आराम से अपडेट भी कर लेंगे। देन अपडेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम उसके बारे में जान लेते हैं पैच नोट्स के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर यार हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो लिविक मैप आने वाला है, जो कि मैं आपको पहले ही बीटा वर्जन के गेम प्ले में दिखा चुका हूँ कि ये 4 मैप्स का कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो ये मैप तुम्हारा सिर्फ 15 मिनट का चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि तुम्हारा अपडेट आएगा 7 जुलाई को, और तुमको एंड्रॉयड मिलेगा 1.84 GB का, और तुम्हारा जो iOS डिवाइसेज है उसके अंदर मिलेगा 2.13 GB का, यानी कि 2.13, ठीक है। अब यहाँ पे हम आके बात कर लेते हैं यार क्या क्या अपडेट आने वाले। तो अपडेट का जो हमें रिवॉर्ड है वो हमको मिलने वाला है गाइस यहाँ पे कुछ 3000 के समथिंग बीपी कॉइंस, 100 AJ करेंसी और नाइटमेयर हेलमेट, वो भी 3 दिन के लिए, यानी कि एकदम घटिया चीज़ें मिलने वाली हैं तुमको फ्री में, जो कि अपडेट रिवॉर्ड होता है अगर तुम जल्दी से 7 से 13 जुलाई के बीच में गेम को अपडेट करते हो। अब और नया नया क्या क्या आने वाला है, क्लासिक मोड है यहाँ पे, न्यू लिविक मैप। अब जो लिविक मैप है यार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2x2 किलोमीटर का होने वाला है, जिसमें 52 बंदे उतरेंगे और ये सिर्फ 15 मिनट का होगा, यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कैंप वगैरह नहीं कर पाएंगे, आपको सीधा इसमें बंदे ही पेलने पड़ेंगे। उतर उतर के कैंप करा तो भैया सीधा ही मर जाओगे, क्योंकि जोन इतनी जल्दी आएगा और जोन तुम्हारा काट के चला जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो लिविक मैप है अभी भी बीटा स्टेज पर है, तो इसमें धीरे धीरे अभी और इंप्रूवमेंट्स करेंगे, क्योंकि यार एक बात बोलूँ, हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि गेम में ये वाला मैप खराब है या अच्छा है, पर अगर तुम ये देखो कि उसके पीछे तो पूरी डेवलपर की टीम बैठी है, जो डिज़ाइनर्स बैठे हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है उस एक मतलब मैप की फूल पत्तियों को बनाने में, तो यार थोड़ा उनके काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमको। जो भी कमी हो जब बीटा वर्जन आता है तो अच्छे से उनके मतलब जाके रिव्यू वगैरह करो और बताओ पबजी वालों को कि मतलब ये दिक्कत है। बाकी एक दिक्कत और आती है कि पिंग फ्लक्चुएट होना और तुम्हारा गेम लैग होना, तो भाई इसका तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली चीज़ें पबजी मोबाइल हर बार इग्नोर करता है, पता नहीं क्यों। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जितने भी हाई एंड डिवाइस हैं, जैसे कि मतलब आईफोन्स हो गए या वन प्लस वगैरह की डिवाइस, ये उन्हीं सब में गेम चल पाता है, पर एंड्रॉयड के हर डिवाइस में तो FPS ड्रॉप होते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करें तो गाइस यहाँ पे देखिए मैप एक्सक्लूसिव फायर आर्म्स, तो इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगी SMG P90 की गन आ गई है, और गाइस यहाँ पे देखिए एक आई है MK12, तो MK12 काफ़ी ख़तरनाक गन लग रही है ये, कहीं ना कहीं MK14 की तुमको याद दिलाएगी देखने में, खटाखट, तो तुम बंदों को बड़े आराम से इसमें पेल पाओगे। और एक न्यू व्हीकल ऐड हुआ है जिसका नाम है मॉन्स्टर ट्रक, तो मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है, तो ये भाई साहब हमारे बग्गी के बड़े भाई हैं, जैसे हमने कि बताया था कि बग्गी आने वाली है, बग्गी के बड़े भाई हैं भाई साहब हमारे। और साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लिविक सुपर फायर आर्म ट्रेनिंग कमिंग सून, ओके, तो ये सब आएगा यहाँ पे, हम देखते हैं क्या लिखा पड़ा है। गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल वेपन, तो यार इसका क्या है कि आपको ये सारे वेपन्स एकदम सेम दिखेंगे, जैसे कि सपोज मान लीजिए कोई स्कारल की गन है तो उसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंटल ट्रायल दिखा देगा, जिससे क्या है कि आप किसी बंदे को मारते हैं या कुछ भी होता है तो आपको पूरा का पूरा उसके बारे में स्टैट्स वगैरह पता लगेगा, सब कुछ अच्छे से पता लगेगा कि उसके बारे में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन व्यू योर फायरिंग एंड हिट स्टैट्स विद योर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल वेपन आफ्टर लिविंग कॉम्बैट, ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा गेम वेम खत्म होता है तो तुम अच्छे से सारी चीज़ें देख पाओगे। देन आगे आया है स्पार्क द फ्लेम थीम गेम प्ले, तो यहाँ पे गाइस थीम मोड है अवेलेबल और इरेंगल एंड मिरामार मैप्स इन क्लासिक मोड, प्लेयर हैव अ चांस टू एंटर दिस मोड आफ्टर सिलेक्टिंग दिस मैप। और देखिए यहाँ पे एक लिखा स्मॉल स्टैचू, जाइंट स्टैचू, ठीक है, और स्टैचू कैंप, तो ये जो है एंशियंट सीक्रेट नाम का, जो मैं आपको बता चुका था इसमें इजिप्शियंस मम्मी आने वाली है, तो ये सारा अभी दिखा रखा है कमिंग सून। द थीम मोड टेक्स इफेक्ट्स ऑन इरेंगल एंड मिरामार व्हेन एक्टिवेटेड, प्लेयर कैन चूज वेदर टू पार्टिसिपेट विद सेटिंग्स द मोड सिलेक्शन स्क्रीन, ठीक है। सिंपल सा फंडा क्या है कि यार यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया जाएगा कि तुमको इवेंट वाला मोड
मोड खेलना है कि नहीं खेलना है, वहाँ पे तुमको उसको सिलेक्ट करने का पूरा पूरा ऑप्शन दिया जाएगा। अगर तुमको नॉर्मल खेलना है तो खेल सकते हो, अगर तुमको वो इजिप्शियन मम्मी वाला खेलना है तो उसको सिलेक्ट करो और खेल लो, ये तुमको एरेंगल मिरामार दोनों में मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एंशियंट टेम्पल की। तो ये सिंपल एंशियंट टेम्पल है जो तुमको दिख रहा होगा कि मतलब हवा में उड़ता है, ठीक है, मस्त मस्त सा स्लेट प्लजर बॉस फाइट, तो ये सारी और स्मॉल रोइंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको पहले ही दिखा चुका हूँ। और सीजन वार्म अप इवेंट गेम प्ले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ सीजन 13, तो तुमको सीधा 14 जुलाई को सीजन 14 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे तुम फिर से रॉयल पास खरीदोगे, फिर से मतलब पैसा वैसा लगाओगे और फिर से मिशन पूरे करोगे। अब गैस यहाँ पे और चीज़ बताई गई कि जो बंदे पेलोड मोड और रेज गियर मोड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो सिर्फ वीकेंड पे देखने को मिलेगा आपको, अगले अपडेट के बाद से वो वीकेंड पे देखने को मिलेगा। और जो ब्लू होल मोड है वो निकाल दिया गया है, क्योंकि ब्लू होल मोड यार एकदम फालतू का था, मुझे नहीं लगता कितने बंदे खेलते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं खेलता था। मैंने हार्डली 2 से 3 मैच खेलूंगे पूरे सीज़न में, ठीक है, ब्लू होल मोड के अंदर जो स्टार्टिंग में आया था, बस वो भी शायद मैंने वीडियो बनाने के लिए खेले थे। ठीक है, तो ये तो निकल चुका है। और यहाँ पे अरीना गेम प्ले के अंदर गाइस देखिए टीम गन गेम आ गया है यहाँ पे, तो ये काफ़ी गजब है यार। ये एक अरीना मोड है जिसमें क्या होगा कि आपको कभी भी वेपन चेंज होगी, मान लीजिए मेरा वेपन अभी AKM है और मेरा सेकेंडरी वेपन अभी पैन है, तो जैसे मैं AKM सामने बंदा मारता हूँ अपने आप मेरा वेपन चेंज होकर हाथ में पैन आ जाएगा। तो काफ़ी गजब का इंटरेस्टिंग मैप है ये, और इसको लाइब्रेरी मोड के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, पूरी लाइब्रेरी बना रखी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए न्यू लोडआउट अटैचमेंट एक दिखा रखे अरीना अटैचमेंट, जहाँ पे है बैरल एक्सटेंडर करके, तो ये काफ़ी गजब के अटैचमेंट होने वाली है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव रेंज एंड रिड्यूस द डैमेज रिडक्शन ऑफ बुलेट्स ड्यू टू डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है यार, बैरल एक्सटेंडर की हेल्प से आप ज़्यादा डैमेज दे पाएंगे, और मतलब उस गन से, और जितना भी मतलब क्या है इफेक्टिव रेंज रहेगी उसकी, आप थोड़ा दूर का बंदा को ज़्यादा डैमेज दे के मार पाएंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है अरीना फायर आर्म डैमेज रिडक्शन एडजस्टमेंट, तो यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि फायर आर्म डैमेज रिडक्शन मॉड्यूल्स नाउ लेड बेस्ड ऑन ऑपरेशनल डिस्टेंस। तो गाइस कुछ इसमें यार डिस्टेंस वगैरह की बात की गई कि जितने भी हमारी SMG राइफल्स हैं मतलब, तो उनका जो डैमेज है फ्रॉम नियर टू फार, तो ये मुझे थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा क्या है, इसको जाने देते हैं, सारी बातें थोड़ा बताऊंगा तुमको, खुद भी देख लेना। और गाइस अगर आप ये पैच नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो आप पैच नोट्स पढ़ सकते हैं, या आपको पैच नोट्स पढ़ के वीडियो वगैरह बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। वैसे जो बंदे टिकटॉक वीडियो डालते थे, टिकटॉक रहा नहीं, तो गाइस कोई नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब तसल्ली दे रहा हूँ, कुछ नहीं बस और क्या। तो गाइस आगे हम बात करते हैं बेसिक कॉम्बैट की बेसिक एक्सपीरियंस। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या हो सकता है कि रिजॉल्व स्क्रीन लॉकअप इशू लोडिंग, अच्छा बेसिक एक्सपीरियंस इंप्रूव बैटरी यूसेज। अभी मुझे ये बताओ यार, जो 4 के 4 पॉइंट है इसमें तुम ये बताना कि हाँ या ना, ये चारों के चारों पॉइंट फालतू के नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कुछ पबजी वाले कभी करते ही नहीं ना यार। लैग फिक्स नहीं होता, रेंडर फिक्स नहीं होता, पिंग फिक्स नहीं होता, ये फालतू का बस पूरा आर्टिकल भरने के लिए सालों ने डाल रखा है बीच में। पिकअप इंप्रूवमेंट, कॉम्बैट इंप्रूवमेंट, हिट इफेक्ट, हाँ तो गाइस हिट इफेक्ट आने वाले हैं, मतलब जो चाइनीज़ वर्जन के अंदर यानी कि गेम ऑफ पीस के अंदर हिट इफेक्ट थे कि डैमेज इफेक्ट होता है, बंदे को मारता है लाल पीला हरा नीला सफ़ेद काला, ऐसे ऐसे इफेक्ट आते हैं, ऐसे इफेक्ट तुमको देखने को मिलेंगे। इंप्रूविंग और पैराशूट डिस्प्ले, अच्छा ये भी खराब है। जंप फॉलोविंग, ये भी सब फालतू के। सेटिंग्स इंप्रूवमेंट, तो एडिंग अ ट्यूटोरियल ऑन सेंसिटिविटीज़ ऑन सेंसिटिविटी टैब, एड एन इन्फॉर्मेशन पेज अबाउट कैमरा कंट्रोल्स। तो यार इसमें क्या है कि हमारी कई सारी सेटिंग्स चेंज हुई है, तो उसमें सिंपल क्या है कि यार जैसे मतलब क्या है कि हमारा जो कंट्रोल होता है क्लॉ होता है उसमें साइड की स्क्रीन छूट जाती है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। FPV मोड के अंदर अपना हम ज़्यादा व्यू एंगल चेंज कर सकते हैं, तो ये काफ़ी तरह की सेटिंग्स आई हैं जो मैं आपको कल गेम के साथ ही आपको तुरंत बता दूंगा, काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपको हर सेटिंग का यूज़ करना है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग्स को यूज़ करना है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि व्हेन बैकपैक इज़ फुल प्लेयर कैन नॉट पिकअप एन आइटम, द आइटम पोजीशन पिकअप लिस्ट विल बी नॉट चेंज। ओके, फ्लेयर गन आगे गाइज, न्यू चेयर पार्क आने वाला है, तो मैं जैसे ही बता चुका था कि न्यू चेयर पार्क है, वहाँ पे जाके निब्बा निब्बी आराम से खेल सकते हैं और लौंडे जाके अपनी गर्लफ्रेंड को फूल वगैरह दे सकते हैं, वो खुश रहेगी। गुब्बारे में घुमाओ क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है, और लॉकडाउन तो नहीं खैर, पर जैसी सिचुएशन चल रही है अभी देश की, कुछ जगह लॉकडाउन है और इस चक्कर में बहुत से बंदा बंदी आपस में घूम नहीं पा रहे, तो वो चेयर पार्क में जाके मज़े ले सकते हैं। और आगे बात करते हैं तो और क्या है थीम पार्क में, तो यहाँ पे टीम अप लॉबी फीचर्स और देखते हैं नए कुछ चीज़ें, वॉइस रिक्वायरमेंट, रॉयल पास सीजन फिक्स, स्पार्क द फ्लेम और ब्रदर्स एंड आर्म इंप्रूवमेंट, न्यू एस बैज फीचर। हाँ तो आप यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसको आपको बैजेस मिलने वाले हैं यहाँ पे, कि जैसे आप एस जाते हैं तो एस का आपका बैज मिलेगा, जैसे कि अभी आइकन हमारा आता है रॉयल पास का प्रोफाइल के साइड में, सेम ऐसे ही आपको एस का बैज मिलेगा और वो तुम्हारे बढ़ते रहेंगे सीजन बाय सीजन। ठीक है गाइस, यहाँ पे न्यू अचीवमेंट आई है कि पैनोलॉजी प्रोफेसर करके किल 3, 10, 20, 50 एनिमीज विद अ पैन ऑन अ लाइब्रेरी मैप इन अरीना, लेजेंड ऑफ द फ्रोज विन 3, 10, 20, 50 टाइम्स इन लिविक,
क्लैन इलाइट। तो गाइस ये सिंपल है, डाउनलोड इम्प्रूवमेंट सपोर्ट डाउनलोडिंग इन गेम वीडियो रिसोर्सेज, वीडियो कैन बी डिस्प्लेड ओनली आफ्टर डाउनलोड, और सिंपल देख सकते हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं। तो गाइस सिंपली यहाँ पे जितने भी मेन पैच नोट्स थे मैंने आपको बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी यार। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नई वीडियो में यार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।